जैसे कि आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे कि ये एक कैंडल लाया हूँ जो सेडिमेंट कैंडल है जो आउटसाइड डलता है। इसमें मेरा टैंक फुल होने में 6 से 8 घंटा लग जाता है, जो 2 से 4 घंटा होना चाहिए, 4 भी नहीं 2-2.5 घंटे में भर जाना चाहिए। ये कितना लीटर है, 15 लीटर का टैंक है। तो अभी मैं एक नया वाला लाया हूँ, पिछले जो कैंडल चेंज किया था तब से ये प्रॉब्लम है। और इसके और कोई भी रीज़न होगा, जैसे कि पंप स्लो हो गया होगा, प्रेशर कम हो गया होगा पंप का जो सक्शन, या मेम्ब्रेन भी चोक हो गया होगा, या बाकी कैंडल्स जितने भी है कार्बन हो गया, बाकी चीज़ें भी चोक हो सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर जो डाउट है इसमें, और मैं एक 50 रुपया वाला सेडिमेंट ले आया जिसमें लिखा है पॉलीप्रोपलीन फिल्टर, रिमूवल ऑफ सैंड स्लेट डर्ट एंड रस्ट पार्टिकल्स। ये इसका काम वही है बाहर वाला जो है, इसको हम अभी निकालेंगे और इसको फिट करके देखते हैं। इसमें प्रेशर चार्ट भी दिया हुआ है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है इसमें, 5 माइक्रोन वाला आप देख सकते हो, ये कहता है स्टडी रहता है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। इधर लेफ्ट साइड में PSI लिखा है और राइट साइड में इधर फ्लो रेट लिखा है, GPM गैलन पर मिनट। GPM चलिए केमफ्लो का है, ये मैं यूज कर चुका हूँ पहले भी, ये माइक्रोन 5 माइक्रोन के PS05 सेडिमेंट, इसको रिप्लेस करके देखते हैं। चलिए इसको अभी बंद कर देते हैं, पावर ऑफ तो है, इसका प्लग निकाल देते हैं। प्लग मैंने निकाल दिया, सप्लाई भी बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। ये लॉक निकाल दिया, खाली इसको नीचे उतारते हैं और ये एग्जिट पाइप जो है, कैंडल का एग्जिट पाइप है, इसी को खोलते हैं और यहीं रख के चेंज कर देते हैं। पानी थोड़ा निकलेगा, इतना तो पानी निकलता है। अब इनलेट भी खोलते हैं, इससे हो जाना चाहिए, खुल गया तो अभी इनलेट भी नहीं खोलेंगे, बस अब देख पा रहे हो ये पेपर का था और ये चोक हो चुका है, मुझे लग रहा है ये चोक ही है, आपको दिख रहा होगा, ये हार्डली 2 महीना हुआ नहीं होगा लगता है, इतना जाम हो गया। तो ये पेपर के कैंडल अच्छे नहीं होते है, अब पता नहीं ये पर्टिकुलर कैंडल खराब है, मुझे ज्यादातर इसको थोड़ा साफ करते हैं, अंदर बाहर साफ कर लीजिए बस। लोकल प्रोडक्ट है ये, थोड़ा और साफ हो सकता है, मैं अपना
ये बेहतर है, देख सकते हो। अब इस कैंडल को यहां डाल देंगे। इसका एक स्पैनर भी मिलता है, आप स्पैनर यूज करके टाइट कर सकते हो। और ये गैस्केट को थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा घिसाई नहीं करना गैस्केट को, नहीं तो लीकेज, पानी के लीकेज हो जाएंगे। ये मैं खोला नहीं हूँ, इसको आप खोल सकते हो। ये लॉक इनसाइड के इनलेट के लॉक खोल के, इसको खोल के आप अच्छे से ढक्कन भी क्लीन कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, इसमें शायद 1-2 लीटर पानी बाकी है, तो इसको जल्दी देखेंगे इसका कितना जल्दी ये भरता है। और एक डाउट है इसमें, हो सकता है मेरा कार्बन फिल्टर भी कुछ खराब हो चुका होगा, क्योंकि इसमें थोड़े कार्बन पार्टिकल्स भी मिले मुझे, तो अभी चेक करते हैं। ये तो पेपर वाली है, ये तो प्रेशर घटा दिया था, देखते हैं। अगर कार्बन फिल्टर भी खराब है तो कार्बन फिल्टर भी चेंज कर देंगे। अब हम सप्लाई देंगे पानी के। अब हम सिर्फ पानी भरेंगे, ऑन नहीं करेंगे आर को। पानी भर के इस कैंडल को इसके जरिए आउटपुट देखेंगे, पानी आ रहा है, फिर जाके इसको इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। काम इतना ही है, खुल कर दिया मैंने, खोल दिया पाइप पूरा, लीक भी चेक हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पानी अभी यहां से गिरने वाला है। थोड़ा क्लोजअप दिखा देता हूँ मैं अभी क्या क्या किया। कैंडल तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदा है, पता नहीं 2 महीने में इतना गंदा होना नहीं चाहिए था, लेकिन गंदगी तो यहीं पे इस कैंडल में तो पहले हिट करता है। बट चोक नहीं हो जाना चाहिए, चोक हो चुकी है ये। अब मैंने पानी इधर से चला दिया फुल, अब कैंडल के अंदर भर के बाहर का जो एग्जिट पाइप है उसमें आना चाहिए। अब इसमें पानी आने लगा, तो नेक्स्ट एक्शन इसको यहीं पे डाल देना है। ये जो पाइप है एग्जिट पाइप है, ये एंट्री पाइप है, ये एग्जिट पाइप है, इसके अंदर कैंडल आ गया है, यहाँ पे लीकेज नहीं है। इतना ही करना है गाइस, आपको अगर ये काम खुद करना है तो ऐसे करना है। बहुत सारे वीडियो पड़े इंटरनेट में, मेरे बहुत सारे वीडियो भी है आरओ को रिपेयर कैसे किया जा सकता है एट होम, खुद कैसे कर सकते हैं। तो इसको अभी लटका देते हैं ऊपर और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पानी जल्दी जल्दी भरे टैंक में और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो प्रॉब्लम है हमारी कि पानी 6-8 घंटा लग जाता है एक टैंक के लिए, इतना नहीं होना चाहिए, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा। चलिए, थैंक यू। सप्लाई बंद कर दिया और इसको लटका देंगे। इसको लगाते हैं, लॉक भी लगा लेंगे। पानी चालू करेंगे और पावर ऑन करेंगे।